के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं कौन कौन से वाइल्ड प्लांट हैं जो हम लोग फ्लावरिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। ये सदाबहार का पौधा है जिसको बेशरम कहते हैं। और ये दूसरा देखिए, ये लेंटाना ग्रास है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर। और इसमें जो फ्लावर्स की खासियत है, वो फ्लावर्स 3 कलर के होते हैं। ये गाजर घास है और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत। और प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर का होता है। और उसके पास में ये देखिए विस्निटी में बैंगनी कलर की ग्रास कंपोजिटी कुल से जिसका ताल्लुक है। फिर ये देखिए दूसरे तरीके के नाली के किनारे खड़े हुए जली पौधे, ये भी बहुत खूबसूरत। और उसके बीच में जेंथेनियम के पौधे, ये बेरी का पौधा है, ये भी ग्रीनरी के रूप में उगाया जा सकता है, इसमें फल और छाया दोनों प्राप्त होते हैं। एक और ये देखिए अफीम जैसा पौधा वाइल्ड, जिसका ताल्लुक कंपोजिटी कुल से है। जंगली कुदरू जिसमें सफ़ेद रंग के बहुत ही शानदार खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं और इसका फ्रूट पशु पक्षियों के लिए फीडिंग के रूप में काम करता है। ये नवजात लेंटाना ग्रास, ये इसकी ग्रीनरी और फ्लावरिंग दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। ये देखिए और उस पार भी बहुत खूबसूरत दृश्य। और पास में ये डेलवर्जिया सिसो यानी सीसम का पौधा, कंजी का पौधा, जैसे जंगलों में देश विलायती बबूल का पौधा एक बार काटने पे हरिया जाता है, कई कल्ले निकलते हैं, उसी तरीके से ये कंजी छाया और लकड़ी दोनों के लिए अच्छा पौधा है। और ये देखिए पास में खूबसूरत जलीय ग्रीनरी, जंगली पालक का पौधा ये हरे रंग का, और पास में बेरी का पौधा। खजूर का ये शानदार पौधा कैलोटॉपिस प्रोशेरा,